नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। दिल्ली में बीजेपी सदस्यता अभियान की समीक्षा हो रही है, इसे लेकर बीजेपी मुख्यालय में बैठक चल रही है और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े और दुष्यंत गौतम बैठक ले रहे हैं। बैठक में सभी राज्यों के प्रदेश संगठन महामंत्री और सदस्यता प्रभारी समेत कई नेता शामिल हैं। अब तक 4 करोड़ के पार पहुंच चुकी है बीजेपी की सदस्यता। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से शुरू हुई थी। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय ने सदस्यता ली थी, अभियान की शुरुआत की थी और धीरे धीरे तमाम मंत्री जो हैं वो अपनी सदस्यता को रिन्यू करा रहे थे। लेकिन और भी तमाम ऐसे लोग हैं जो कार्यकर्ता कई सारे बीजेपी से जुड़ रहे हैं और अब तक ये आंकड़ा जो है वो पहुंच चुका है 4 करोड़ तक। अब तक 4 करोड़ के पार जो है बीजेपी की सदस्यता पहुंच चुकी है। लगातार सिलसिला जारी है, लेकिन राजधानी में जो ये बैठक हो रही है वो कई मायनों में खास है। बीजेपी सदस्यता अभियान की समीक्षा भी हो रही है, इसे लेकर मुख्यालय में जितने भी राष्ट्रीय संगठन की तरफ से महामंत्री हैं, बीएल संतोष, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े और दुष्यंत गौतम बैठक में मौजूद हैं, वो बैठक ले रहे हैं और जितने भी राज्य हैं, सभी राज्य जो हैं वहां के प्रदेश संगठन महामंत्री और सदस्यता प्रभारी भी शामिल हैं इस मीटिंग में। पवन गौड़ संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। पवन, कितनी अहम है ये बैठक और इसमें क्या फोकस होने वाला है इस बार? देखिए, चूंकि 2 सितंबर को प्रधानमंत्री ने पहला सदस्य बनकर बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी, उसके बाद में अगर बात करें कल तक बीजेपी ने 4 करोड़ से ज्यादा सदस्य बना लिए हैं और संख्या को बीजेपी ने इस बार जो लक्ष्य रखा है, चूंकि 4 बड़े राज्य जो हैं जिनमें चुनाव होने हैं उसमें चाहे वो बात करें हरियाणा की, जम्मू कश्मीर की, महाराष्ट्र की और झारखंड की, उन राज्यों में फिलहाल सदस्यता अभियान नहीं चल रहा है, तो उसके बाद में बीजेपी ने 10 करोड़ का लक्ष्य अपने लिए रखा है। तो उसको लेकर लगातार बीजेपी जो है बीच बीच में समीक्षा सदस्यता अभियान की कर रही है। आज उसी लिए तमाम जो नेता हैं राज्यों के उनको बुलाया गया है और उसमें ये तय किया जाएगा कि किस किस राज्य में अब तक कितनी सदस्यता हो चुकी है, उसके बाद में सदस्यता अभियान को कैसे तेजी से आगे बढ़ाना है। चूंकि 25 सितंबर जो दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भी होती है और ऐसे में बीजेपी के कहीं ना कहीं फाउंडर मेंबर्स में से एक माने जाते हैं, बीजेपी का पहला नाम जब उस समय जनसंघ था तो उस समय जनसंघ के फाउंडर मेंबर थे दीनदयाल उपाध्याय, तो उनकी जयंती पर बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सदस्यता करना चाहती है, तो उसको लेकर एक रणनीति तैयार की जाएगी। चूंकि विशेष महत्व इस पूरे अभियान का इसलिए है कि बीजेपी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जितनी सीटें जीतना चाहती थी वो अपेक्षित परिणाम बीजेपी को नहीं मिल पाए, हालांकि मध्यप्रदेश में बीजेपी 29 में से 29 सीट जीती, ऐसे में कई सारे राज्य जो थे वहां जो है बीजेपी बहुत अच्छा काम जो नहीं कर पाई थी, लेकिन इसके जरिए सदस्यता अभियान के जरिए कहीं ना कहीं फिर से जो है पार्टी की एक पूरी कोशिश है जो सिचुएशन है उसको सेट किया जाए, किस तरह से ओबीसी में, किस तरह से दलित वर्ग में, किस तरह से जनरल कैटेगरी पार्टी को उस पूरे। बिल्कुल, और देखिए कई सारी ऐसी चीजें हैं पवन जिस पर गौर करना है और इसी वजह से ये मीटिंग बुलाई गई है और खास तौर पर जो राज्यों के प्रभारी हैं वो भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। बहुत शुक्रिया पवन जानकारी साझा करने के लिए।